बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स और उनके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। ये प्रिंटर्स जो हैं किस तरह काम करते हैं और ये कौन कौन सी टाइप्स के प्रिंटर्स हैं। प्रिंटर्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं ये इनके अंदर एक पेपर यूज़ होता है और उसके ऊपर एक इंक्ड रिबन होता है। इंक रिबन के ऊपर हैमर जो है वो स्ट्राइक करता है और डिफरेंट जो करेक्टर्स हैं वो पेपर के ऊपर प्रिंट होते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं ये स्ट्राइकिंग ऑन द पेपर के अलावा, जिनके अंदर फोर्स यूज़ नहीं होती, हैमर यूज़ नहीं होता, उसके अलावा दूसरे जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो मेथड्स इन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं उनकी निस्बत जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो क्वाइट एंड फास्ट होते हैं। अब हम इनके डिफरेंट टाइप्स देखते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर की कौन सी टाइप्स हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये मल्टी शीट पेजेस जो है वो यूज़ करते हैं प्रिंट करने के लिए। इसके अंदर जो है एक इंक्ड रिबन होता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं उनके अंदर एक इंक्ड रिबन होता है, उसके ऊपर एक प्रिंट हेड होता है, प्रिंट हेड के अंदर एक हैमर होता है जो स्ट्राइक करता है उस रिबन के ऊपर और रिबन से फिर करेक्टर जो है रिक्वायर्ड करेक्टर वो पेपर के ऊपर प्रिंट होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स जो हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक लाइन प्रिंटर और एक बैंड प्रिंटर्स। और इन प्रिंटर्स की स्पीड जो हम करेक्टर्स पर सेकेंड में मेजर करते हैं, एक सेकेंड के अंदर प्रिंटर ने कितने करेक्टर्स जो हैं वो प्रिंट किए हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रिंटर्स आर डेजी व्हील प्रिंटर्स। डेजी व्हील प्रिंटर्स जो हैं ये फर्स्ट इम्पैक्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी जो मार्केट में अवेलेबल। इनका नाम डेजी व्हील प्रिंटर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इनके अंदर एक डेजी फूल जिस तरह होता है गोल सा, उसकी तरह एक डेजी व्हील यूज़ होता है जिसके ऊपर डिफरेंट करेक्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी उसके ऊपर अवेलेबल होते हैं और वो करेक्टर्स जो हैं वो पेपर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं और डिज़ायर्ड करेक्टर्स को पेपर के ऊपर प्रिंट करते जाते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटिंग थे और ये जितने उस इस वक्त से पहले जो है वो डिफरेंट टाइप के टाइप राइटर्स जो हैं वो यूज़ होते थे, जिनमें फिंगर्स के साथ हम डिफरेंट कीज़ को प्रेस करते थे और उनके अगेंस्ट जो कीज़ हैं वो जाके स्ट्राइक करती थी पेपर के साथ और पेपर के ऊपर लेटर्स जो हैं वो प्रिंट होते थे। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे जो इलेक्ट्रॉनिकली प्रिंटिंग करते थे पेपर के ऊपर। और ये जो डेजी व्हील प्रिंटर थे ये टाइपराइटर से 2 to 3 टाइम्स फास्टर प्रिंटिंग देते होता है। इसके बाद हम देखते हैं इंक जेट प्रिंटर्स को। इंक जेट प्रिंटर्स जो हैं ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, इनएक्सपेंसिव होम प्रिंटर्स हम इन्हें कह सकते हैं। इनकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी कम होती है लेकिन इनसे हम अच्छी क्वालिटी का कलर आउटपुट गेन कर सकते हैं। इसके अंदर 4 तरह की कार्ट्रिजेज होती हैं जिन्हें हम CMYK भी कहते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। तो इन चारों के कम्बिनेशन से डिफरेंट कलर आउटपुट हमें मिलता है। इसके ये जो कार्ट्रिजेज हैं ये पेपर के ऊपर बैक एंड फोर्थ मूव करती हैं और डिज़ायर्ड आउटपुट पेपर के ऊपर प्रिंट करती हैं। ये इंक जेट प्रिंटर्स जो हैं ये हमें अच्छी क्वालिटी जो है वो लो कॉस्ट के अंदर प्रोवाइड करते हैं। इनकी स्पीड जो है वो हम पेजेस पर मिनट में मेजर करते हैं और इनकी क्वालिटी देखने के लिए हम डॉट्स पर इंच का जो क्राइटेरिया है उसे फॉलो करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रिंटर इज लेज़र प्रिंटर। इट इज़ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर कलर लेज़र प्रिंटर्स भी अवेलेबल हैं और ब्लैक एंड वाइट लेज़र प्रिंटर्स भी अवेलेबल हैं। ये पेपर को इस तरह प्रिंट करते हैं, इनके अंदर एक लेज़र होती है जो लेज़र है पेज के ऊपर टेक्स्ट ड्रॉ करती है। रिक्वायर्ड टेक्स्ट जो हमने प्रिंट करना है वो पेज के ऊपर लेज़र ड्रॉ करती है, फिर उस पेज के साथ टूनर जो है वो स्टिक हो जाता है जिसके ऊपर वो लेज़र ने टेक्स्ट ड्रॉ किया हुआ है। टूनर के अंदर माइक्रो पार्टिकल इंक होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं इंक के, पाउडर फॉर्म में एक इंक होती है हमारे पास जिसे हम उस टूनर के अंदर फिल करते हैं
और वो टूनर जो है वो उस टेक्स्ट के साथ स्टिक हो जाता है, जुड़ जाता है उसके साथ, और फिर मेल्ट होके पेज के साथ उसकी इंक जो है वो स्टिक हो जाती है और हमें रिक्वायर्ड आउटपुट मिल जाता है पेपर के ऊपर। इसकी स्पीड हम पेजेस पर मिनट में मेजर करते हैं और क्वालिटी इसकी वो भी डॉट्स पर इंच के अंदर ही मेजर की जाती है। इसी तरह हमारे पास ऑल इन वन पेरिफेरल्स भी अवेलेबल होती हैं जिन्हें हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। उनके अंदर स्कैनर, कॉपियर, प्रिंटर और फैक्स की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आप एक ही मशीन से पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन भी कर सकते हैं, उन्हें कॉपी भी कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो प्रिंट हैं वो आप उससे ले सकते हैं और उससे आप लोग फैक्स भी कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर मशीन फॉर होम ऑफिस, तो रीज़नेबल प्राइस के अंदर हमें ये ऑल इन वन पेरिफेरल्स अवेलेबल हैं। जब आपने प्रिंटर परचेज करना हो तो तब आपने ये पांच छह चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान में रखना है, जिनकी बेस पे आपने प्रिंटर परचेज करना है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपको ब्लैक प्रिंटर चाहिए या कलर प्रिंटर, प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर चाहिए, आपको फास्ट प्रिंटिंग चाहिए या स्लो प्रिंटर चाहिए, आपकी नीड जो है वो हाई क्वालिटी प्रिंटर है, और लो क्वालिटी प्रिंटर से भी आपकी नीड पूरी हो जाती है, क्योंकि डिफरेंट मशीन्स जो हैं उनके डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं और उनके डिफरेंट प्राइजेज हैं, जो कम प्राइस से लेके काफ़ी एक्सपेंसिव तक चले जाते हैं। तो आप ये देखें आपकी ज़रूरत क्या है और उस ज़रूरत के मुताबिक आप क्या स्पेंड कर सकते हैं। हर प्रिंटर की एक इनिशियल कॉस्ट होती है जितने का आप वो प्रिंटर परचेज करेंगे, उसके बाद हर प्रिंटर की हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट भी पड़ती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमें टूनर रिफिल करवाना पड़ता है, उसकी सर्विस करवानी पड़ती है, उसके जो ड्रम्स हैं, लेजर्स हैं, उनकी सर्विस और रिप्लेसमेंट करवानी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने कौन सा प्रिंटर परचेज करना है। तो ये इन कन्वेंशनल प्रिंटर्स के अलावा कुछ स्पेशल पर्पस प्रिंटर्स जो हैं वो भी हमें मिल जाते हैं मार्केट से, जिनका आउटपुट जो है वो प्रोफेशनल ग्रेड का होता है और वो डिफरेंट सर्फेसिस के ऊपर, अदर देन पेपर, आपने देखा होगा कि कुछ शॉप्स वाले हैं उन्होंने लगाया होता है कि आप लोग शर्ट्स के ऊपर अपनी पिक्चर्स प्रिंट करवाएं, कप के ऊपर अपनी पिक्चर प्रिंट करवाएं, तो डिफरेंट सर्विसेज, वैरायटी ऑफ सर्विसेज के ऊपर स्पेशल पर्पस प्रिंटर्स जो हैं वो प्रिंटिंग कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले हैं फोटो प्रिंटर्स। फोटो प्रिंटर्स जो हैं ये हाई क्वालिटी पिक्चर्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं। इनकी प्रिंटिंग स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो होती है और ये वैरायटी ऑफ साइजेस ऑफ इमेजेस, पिक्चर्स वो प्रिंट कर सकते हैं पेपर के ऊपर। इसके अलावा एक थर्मल वैक्स प्रिंटर्स हैं, दे आर आल्सो हाई क्वालिटी प्रिंटर्स। तो ये बोल्ड कलर आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं पेपर के ऊपर, इसमें वैक्स यूज़ होती है और ये वैक्स जो है वो कलर जनरेट करती है डिफरेंट जो पेपर के ऊपर प्रिंट होते हैं। अब इसकी एक ख़ास प्रॉपर्टी ये है कि जब ये वैक्स मेल्ट होती है पेपर के ऊपर, डिफरेंट कलर जनरेट होते हैं, तो मेल्टिंग के दौरान ये कलर्स ब्लीड नहीं करते। इनका जो एडवांटेज है वो ये है कि इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो काफ़ी लो है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इनका आउटपुट काफ़ी स्लो होता है। द नेक्स्ट हाई क्वालिटी प्रिंटर इज डाई सब्लिमेशन प्रिंटर। डाई सब्लिमेशन प्रिंटर्स जो हैं ये रियलिस्टिक आउटपुट की प्रिंटर्स जो हैं वो पेजेस जो हैं उनके ऊपर ये प्रिंट करते हैं। डाई सब्लिमेशन प्रिंटर्स जो हैं ये रियलिस्टिक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं पेपर्स के ऊपर, इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। डिफरेंट कलर इसमें प्रोड्यूस होते हैं इंक की एवेपोरेशन से, इंक जो है वो पहले वेपर्स में कन्वर्ट होती है, फिर उसके मिक्सचर से डिफरेंट कलर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू थर्मल वैक्स प्रिंटर्स, इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई है, लेकिन इनका आउटपुट जो है उसी तरह, जिस तरह थर्मल वैक्स प्रिंटर्स का आउटपुट स्लो है, इसी तरह डाई सब्लिमेशन प्रिंटर्स का आउटपुट भी स्लो है। प्लॉटर्स जो हैं वो भी एक हाई क्वालिटी प्रिंटर्स हैं जो लार्ज हाई क्वालिटी ब्लू प्रिंट्स को प्रिंट करते हैं। इनमें जो ओल्डर मॉडल्स थे वो पेंस के साथ जो है वो प्रिंटिंग करते थे। ऑपरेशनल कास्ट इनकी काफ़ी लो है, लेकिन आउटपुट जो है इनका हाई क्वालिटी का होता है और लेकिन ज़रा स्लो होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। तो इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।